बड़ी गाय और ईद। लोग अपने घरों की छत पर खड़े होकर ईद के चांद का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही चांद नजर आए वो ईद की तैयारियां शुरू करें, और आखिरकार लोगों का इंतजार खत्म हुआ और चांद नजर आ गया। अब उजाड़ मुबाड़ी को ईद का चांद नजर आ गया है, इस बार कुर्बानी में कौन सा जानवर जिबा करने का इरादा है आपका? बेटा, इरादा तो अच्छे बड़े जानवर को जिबा करने का ही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस बार ईद अपने भाई के घर जाकर करें। तुम्हारा क्या इरादा है बेटा? अब वो जान कुर्बानी का मजा तो अपने घर में ही आता है, वहाँ तो सारे लोग बहुत ज्यादा अमीर है, हम गोश्त कहाँ पर बांटेंगे? यहाँ तो ये फायदा होगा कि यहाँ बहुत गरीब लोग हैं, हम सारा गोश्त उन गरीबों में बांटेंगे जाकर। हाँ अबू जान, बिट्टू ठीक कह रहे हैं, हम यहाँ पे ही कुर्बानी करेंगे, बहुत मजा आएगा कुर्बानी करने का। उसी गाँव में एक और फैमिली भी थी जिसे सिर्फ लोगों को दिखाकर कुर्बानी करने का शौक था। अजी सुनते हो, चांद नजर आ गया है, अब ऐसे ही बैठे रहना है या कुर्बानी के लिए भी कोई जानवर लेकर आना है? हाँ हाँ जरूर लेकर आएगी कुर्बानी के लिए जानवर, तू परेशान क्यों होती है? मैं तो ये बात सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि इस बार आपके पास पैसे तो है नहीं, तो कुर्बानी का जानवर कहाँ से लेकर आओगे? फिक्र न कर, मैं इस बार मीठे भाई को बोलूँगा कि आप मेरे हिस्से के पैसे दे, फिर बाद में मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, अब जल्दी से जाकर बात करो उससे। फिर वो दोनों मियाँ बीवी मीठे के पास आते हैं। मीठे भाई, चांद नजर आ गया है, कौन सा कुर्बानी का जानवर लेना है इस बार? भाई हर बार की तरह बड़ी गाय खरीदेंगे, छोटा जानवर ले तो उससे इज्जत का सारा फलूदा निकल जाता है। हाँ मीठे, देखा नहीं था पिछली बार जो तू छोटी सी गाय उठा के आ गया था, तो कुलसुम ने कसम से मुझे बहुत बेइज्जत किया था, इस बार बहुत बड़ा जानवर लेके आई, कसम सुन की नाक से धुएं निकलवा दे दूंगी। हाँ हाँ बेगम, तू फिकर ना कर, इस बार भी बड़ा जानवर लेकर आएंगे, तू टेंशन ना ले। मीठे भाई, इस बार मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे उधार दे दो, कुछ दिनों बाद मैं आपको दे दूंगा। ओ भाई क्या बात कर रहे हो, मैं तो सोच रहा था इस बार मैं तुम्हारे से पैसे लूंगा कुर्बानी के, और तुम उल्टा मुझे से मांगने लग गए हो। मीठे भाई मजबूरी है, अब क्या करे, कुर्बानी भी तो जरूरी है, वरना पूरे खानदान में नाक कट जाएगी। नाक कट जाएगी तो क्या तुझे पैसे उधार दे दे बे, तू अपनी जमीन बेच दे, कुर्बानी के लिए बंदे को पता नहीं क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। हाँ भाई नसीबो ठीक कह रही है, तू अपनी जमीन बेच दे, जमीन तो दोबारा बन जाएगी, एक बार नाक कट जाए तो फिर इज्जत वापस नहीं आएगी। ठीक है भाई, इसका मसला भी हल कर लेंगे, पहले मंडी चलते हैं, जाकर जानवरों के रेट देख कर आते हैं। फिर वो दोनों मंडी के लिए निकल जाते हैं, तो वहाँ एक बहुत बड़ी गाय खड़ी होती है। क्या कमाल की गाय है, कसम से इसकी कुर्बानी करेंगे तो हर तरफ गोश्त ही गोश्त बिखर जाएगा। हाँ भाई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जब पूरे खानदान वाले ये गाय देखेंगे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। भाई क्या मांग रहे हो इस गाय का? भाई साहब 10 लाख रुपए का है ये बेड़ा। भाई माना के बेड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन इसका रेट मुनासिब करो, हम इसका सौदा बना लेते हैं। भाई 10 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं है, इस पर बहुत खर्चा आ गया है, दूध मक्खन मलाइयाँ खिलाकर बड़ा किया है मैंने इसको, 10 लाख रुपए फाइनल है। ठीक है ठीक है, हम घर जाकर मशवरा करके तुम्हें बताते हैं। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और घर आकर मशवरा करते हैं। भाई देख ले, बहुत बड़ा बेड़ा था, जब वो बेड़ा हमारे घर आएगा तो सोच हमारी कुर्बानी के चर्चे पूरे गांव और शहर में फैल जाएंगे, और खबरों वाले भी हमारे घर आ जाएंगे, और हम बैठे बैठे घर पर मशहूर होकर टीवी में आ जाएंगे। भाई टीवी तक तो बाद में पहुँचेंगे, जितनी इसकी कीमत है मुझे तो लग रहा है टीवी ना हो जाए हमें। डरता रहेगा तो फिर कुर्बानी नहीं कर पाएगा, और अपनी इज्जत सारी खाक में भी ले जाएगी। मेरी बात मान, अपनी जमीन बेच दे, मैं बाद में तुझे अपने सोने का हार बेच के जमीन दिलवा दे दूंगी। अच्छा अच्छा, मैं राजी हूँ जमीन बेचने के लिए, हम कल ही वो गाय खरीद आएंगे। वहाँ बिट्टू की बहन खुशी खुशी बिट्टू के पास आती है। बिट्टू भाई अबू आ रही है, आप उनके साथ जाकर कुर्बानी की गाय ले आए। हाँ हाँ तुम बेफिक्र हो जाओ, बाबा जैसे ही आते हम फौरन गाय लेने चले जाएंगे। चलो बिट्टू बेटा मंडी चलते हैं गाय खरीदने के लिए। जी अब्बू जान ठीक है, पर अब्बू जान इस बैग के अंदर क्या है? बेटा इस बैग में 10 लाख रुपए हैं, अगर हमें कोई अच्छे जानवर पसंद आ गए तो 2-3 जानवर ही खरीद लेंगे। जी ठीक है अब्बू जान,
जान, मतलब इस बार हम बहुत सारे जानवरों की कुर्बानियाँ करेंगे अपने घर के ऊपर। भाई बहुत खुशी हो रही है मुझे, मैं तो उन भेड़ों को खूब चारा खिलाऊंगी। फिर बिट्टू और उसका बाप मंडी के लिए निकल जाते हैं और जब वो मंडी में आते हैं तो उनकी नज़र उसी गाय पर पड़ती है। वो गाय इतनी खूबसूरत थी कि उनसे उसकी कीमत पूछे बगैर नहीं रहा जाता। भाई साहब ये बेड़ा कितने रुपए का दे रहे हो? भाई जान सिर्फ 10 लाख रुपए का है ये बेड़ा। क्या 10 लाख रुपए? अब्बू जान किसी और जगह चलते हैं, ये बेड़ा हम नहीं खरीद सकते। बेटा तुम सब्र करो। हाँ भाई कोई कमी बेशी है इस बेड़े में या 10 लाख रुपए की माला जपनी है तुमने? भाई जान चीज तो देखो कितनी खूबसूरत है, कुर्बानी कर रहे हो तो पैसे क्यों देख रहे हो? और इस बेड़े पर जितना खर्चा आ गया है मुझे तो लग रहा है 10 लाख रुपए में भी ये मुझे वारे में नहीं है। ठीक है बेटू इसकी रस्सी खोलो। भाई अब ये बेड़ा हमारा हो गया है। अब्बू जान ये आप क्या कह रहे हैं? बेटू तुम चुप करो, तुम्हें मैं घर जाकर समझाता हूँ। फिर वो उसे पैसे देकर वो गाय खरीद लेते हैं और घर आ जाते हैं। हाय मैं मर गई इतनी खूबसूरत गाय, मैं अभी अपने दोस्तों को फोन करके बुलाती हूँ। देखो बिट्टू हमने 2-3 जानवर खरीदने थे ना, तो ये बेड़ा उन 2-3 जानवर के बराबर है, इसीलिए मैंने खरीद लिया। अरे बाबू जान ये तो आप ठीक कह रहे हो, मैं अभी जाकर इस बेड़े के लिए चारा लेकर आता हूँ। वहाँ मीठे का भाई अपनी जमीन का सौदा कर देता है और वो दोनों पैसे लेकर मंडी जाते हैं। भाई वो बेड़ा कहाँ है जिसकी हम बात पक्की करके गए थे? वो बेड़ा तो बिक गया, साथ वाले गांव वाले खरीद कर ले गए हैं। क्या तुमने उसे बेच दिया? हमने कहा था कि हम मशवरा करके आ रहे हैं। नहीं मैं क्या तुम्हारे इंतजार में बैठा रहूं? अच्छा ग्राहक आ गया था तो मैंने उसे बेच दिया। मीठे भाई मैंने अपनी जमीन बेच दी है, मुझे अब वो बेड़ा चाहिए। भाई थोड़ा हौसला कर, हम उनके पास जाकर वो बेड़ा ले लेते हैं। फिर वो दोनों बिट्टू के घर आते हैं तो वो वहाँ गाय देख कर खुश हो जाते हैं। मेरे प्यारे अंकल ये गाय जो आप खरीद कर आए हो, हमने इसका सौदा किया था, वो तो हम घर से पैसे उठाने गए थे तो आप पीछे से आकर ये बेड़ा खरीद लाए हो। तो बेटा सौदा तो नसीब का होता है, ये बेड़ा हमारे नसीब में लिखा था, हमने खरीद लिया। अंकल आप अपना नसीब ईद तक के लिए हमें दे दो, हमने इस बेड़े की कुर्बानी करनी है, हम आपको इस गाय के 10-20 हजार रुपए ऊपर दे देंगे। नहीं बेटा ये जानवर तो कुर्बानी का है, इसमें भेदभाव नहीं किया जाता, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं तो बिट्टू का बाप कहता है, बिट्टू बेटा मुझे इन दोनों की नीयत ठीक नहीं लग रही, तुम कोशिश करो रात इस बेड़े के पास ही रहो। ठीक है अब्बू जान आप बेफिक्र हो जाए, मैं रात को इस बेड़े के पास ही रहूँगा। फिर वो दोनों भाई प्लान बनाते हैं। भाई अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें आज रात को ही वो बेड़ा वहाँ से लेकर आना पड़ेगा, इस तरह हमारे 10 लाख रुपए भी बच जाएंगे और कुर्बानी भी हो जाएगी। ठीक है भाई मुझे तो बस उस गाय से मतलब है। फिर जब रात होती है तो वो दोनों वहाँ आते हैं तो उस वक्त बिट्टू गाय के पास बैठा होता है। वो दोनों वहीं खड़े होकर इंतजार करते हैं तो कुछ देर बाद बिट्टू की आंख लग जाती है और वो दोनों उस गाय को खोल कर ले जाते हैं। फिर जब सुबह होती है, बिट्टू गाय कहाँ है? अब्बू जान रात तो वो बेड़ा यहीं पर था, ये हमारा बेड़ा कहाँ चला गया है? बिट्टू तुम्हारी गफलत की वजह से वो गाय चोरी कर गए हैं। अब्बू जान मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, अब हम अपनी गाय वापस कैसे लेकर आएंगे? फिर अचानक बिट्टू की नज़र जमीन पर गाय के कदमों के निशान पर पड़ती है। अब्बू जान ये तो हमारी गाय के पाँव के निशान है, अगर हम इस निशान का पीछा करें तो हम गाय तक पहुँच सकते हैं। फिर वो उनके कदमों का पीछा करते करते मीठे के घर पहुँच जाते हैं तो वहाँ उनकी गाय खड़ी होती है। वो वहीं पर पुलिस को बुला लेते हैं और मीठे और उसके भाई को पकड़वा देते हैं और गाय वापस घर ले आते हैं। इस तरह उनकी कुर्बानी की गाय भी बच जाती है और मीठे और उसके भाई को भी सजा मिल जाती है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।